ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾ ਫਿਰ ਹੈਲੋ ਯਾ ਫਿਰ ਐਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਅਗੇਨ ਔਰ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਲੌਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਤਾਤੇ ਹੋਏ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਈ ਹੂੰ ਹਨੀ ਕੇ ਸਕੂਲ ਹਨੀ ਕੋ ਪਿਕ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਬਹ ਕੇ 9:30 ਵਜੇ ਔਰ ਸਕੂਲ ਸੇ ਕਾਲ ਆਇਆ ਥਾ ਕਿ ਹਨੀ ਨੇ ਵੋਮਿਟ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ ਤੋ उन्होंने मुझे कॉल किया, मैं कॉल पिक नहीं कर पाई, बार बार कॉल करते रहे। फाइनली उन्होंने मेरे स्कूल के ऑफिस में फ़ोन किया और मुझे पता लगा, तो अब मैंने इसको पिक कर लिया है। तो अब चले थोड़ा हनी को पूछें कि क्या हो गया है, इसको क्या हो गया था। वो जिम में मैं पूरे टाइम फर्स्ट था, तो कोई ज़रूरी तो नहीं होता कि भाई फर्स्ट आना ही आना है। तो फिर फर्स्ट आना था तो फिर पढ़ाई तो छूट गई ना सारी, अब घर जाना पड़ रहा है फिर। तो फर्स्ट तो आया, सेकंड आया था, मतलब मैं पूरे टाइम फर्स्ट था। एकदम एंडिंग पार्ट में एक बच्चे ने कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा चलने लग गया था। तो तुझे वोमिट आ गई? फिर ना मैं जैसे फिर मुझे 3-4 बार मैंने वोमिट कर दी, फिर मैं टीचर्स के ऑफिस में गया, वहाँ पे रहना पड़ा था सिक रूम में। हाँ सिक रूम में। और फिर मम्मा जैसे आधे घंटे से ना बैठा। हाँ वो मुझे पता है, वो मैं फोन नहीं उठा पाई इसलिए। हाँ। बहुत देर से वहाँ बस ऐसे। अच्छा बैठा था। अच्छा कोई टैबलेट वगैरह दी? कुछ भी नहीं दिया। चलो फिर अब चलें घर। अब तो ठीक है? नहीं हूँ यार। अच्छा सेम फीलिंग आएगी, जब तक घर नहीं पहुंचेंगे तब तक आती रहेगी ये वाली सेम फीलिंग। जब घर पहुंचेंगे। चलो फिर चलो चले। हाँ चलते हैं, आज ये आखिरकार व्लॉग हो रहा है। देखो हमारी कार रेस्ट इन पीस है, मतलब ये फूल यहाँ पे है। और भाई बच्चों के रिसेस टाइम हो गया, मुझे मेरे क्लास वाले बच्चे दिख रहे हैं, मुझे चैन और रामा दिख रहे हैं। नहीं भाई अगर मैं बीमार हूँ। हाँ लग रहा है पता। चले। मुझे पीछे बैठना पड़ता है, सैड। ये मेरी टीचर ने दिया मुझे, उनकी मॉम ने बेक किया। ये है हमारा स्कूल, मेरी क्लास यहाँ नहीं है पीछे है। और हमारे यहाँ जैसे स्कूल के हर एक एनिमल होते हैं, आपका भी है ना मम्मा? हाँ, का है चीता या जागुआर? हाँ मम्मा का है जागुआर, मेरा है थंडरबर्ड, मतलब वो एक एनिमल है पर एक थंडरबर्ड या ईगल। ये है मेन बिल्डिंग स्कूल की, ये मेन बिल्डिंग है। ये आ गए हम स्कूल जोन में। स्कूल के आसपास वाले एरिया जो होता है वहाँ पे आपको स्पीड 30 रखनी होती है सेफ्टी पर्पस के लिए, क्योंकि बच्चे स्कूल में जाते बच्चों की पेरेंट्स कोई भी आते हैं या कुछ। नॉर्मल स्पीड होती है यहाँ 50, बता रखा है आपने ये पहले वीडियो में, याद नहीं? अपलोड ही नहीं करा ना। ओह हाँ, हमने एक वीडियो बस ऐसे ही बना रखा है, तो पापा ने बोला नहीं डालना है। हाँ वैसे भी वो बहुत लंबा था, अगर मैं कुछ एडिट नहीं करता तो वो 1 hour and 10 minutes का होता। पर वो 10 minutes का मैं बना रही थी उसको मैंने ऑलमोस्ट 10 minutes का कर दिया था। फिर पापा को पूछा तो पापा ने मना कर दिया, कहते सबको पता है वॉलमार्ट कैसा होता है, कह रहे तो। और वैसे भी जिस हिसाब से मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं पर्सनल, तो सारे यही कह रहे गिल साहब बेस्ट थे। हाँ सुन गया, गिल साहब बेस्ट थे, तो फिर गिल साहब को लाना ही पड़ेगा वीडियोस में। और सिर्फ हम जानते हैं कि उन्होंने अपना इंट्रो कैसे दिया था। हाँ सिर्फ हम ही जानते हैं, सिर्फ हम ही जानते हैं। और बेटे नंबर ले गए खुद, हैं कमाल हो गई। इंट्रो की कहानी भी बड़ी हमारी दुखदाई है एक्चुअली, मतलब हुआ ये था कि इंट्रोडक्शन आपका मतलब इंट्रोडक्शन वीडियो। हाँ तो हुआ ये था कि हमने सैटरडे इवनिंग को अपना इंट्रोडक्शन वीडियो, मतलब सारे हमने वीडियोस बना लिए जाके, और
सेल्फी स्टिक ली थी हमने, जिंदगी में पहली बार खरीदी थी, तो यूज करनी आती नहीं थी वो। उसमें उससे जो था गिल साहब का फोन हमने अटैच कर दिया और सारे वीडियोस बना लिए, बड़े अच्छे अच्छे लग रहे थे, हम खुश थे। और जब वापस आए घर घंटे डेढ़ घंटे बाद सारे बोल बुला के, उस दिन तो हमने बहुत ज्यादा अच्छा किया था। और जो जो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो करा था ना, उसके एक दिन पहले बना रखा था, मतलब वही पूरी कहानी बता रही ना। कि फिर जब घर आके हमने चेक किया, वीडियोस देखे, मैंने कहा चलो अब शाम को टाइम है तो अब एडिटिंग कर लेते हैं, तो देखा तो उसमें आवाज ही नहीं आ रही थी, एक वीडियो में भी आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि सेल्फी स्टिक सेल्फी के लिए थी, हमने उसके साथ वीडियो बना लिया तो आवाज नहीं आई। हाँ, हमने उसको कनेक्ट कर दिया उससे, इसलिए नहीं आई। अगर खाली फोन भी उसको सेट रखते ना उसमें, तब भी शायद ये नहीं होना था। पर चलो, फिर एक बार तो मुझे बहुत बुरा लगा, पर वही है ना कि रोने बैठ जाओ तो फिर कुछ होता नहीं। हम घर या मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं मूड खराब करके बैठ जाती, या फिर मैंने उसी टाइम में ये डिसाइड किया और इन दोनों को बोल दिया कि हम सेम कपड़े पहनेंगे और यही सब कुछ हम सेम परफॉर्म करेंगे अगले दिन संडे की सुबह। तो हनी वॉज गुड, हनी को कोई दिक्कत नहीं थी, पर एज यूजुअल उनको थी। पर फिर भी पता नहीं, कोई भगवान का ही कोई कर्म था, मतलब हमारा कोई कर्म था जो भगवान को पसंद आया हुआ था, और वो एक्सप्लोरिंग वो मान गए और हमने संडे को सुबह सेम चीजें रिपीट की, सेम जगह जाके बैठे, सेम चीजें करी। इवनिंग में हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे उसको लेके, पर वो थोड़ा गड़बड़ हुआ मामला, पर फिर भी चलो हो गया। उसके बाद ये हुआ कि फोन मैंने उनका एंड्रॉइड का सिर्फ पता नहीं, उनके फोन के साथ कुछ गलत है, सिर्फ 360p के साथ आ रहा था। हाँ, उनके फोन के साथ उनकी सेटिंग्स नहीं चेंज करी होगी, क्योंकि आपका था 1080p, फिर मैंने 4K बना दिया, तो ये अच्छा होगा, पर उसमें उसकी सेटिंग्स नहीं चेंज हुई होगी तो वो 360p होगा। मुझे लगता है एक प्रॉब्लम ये भी हुई थी, क्योंकि अभी हमारे पास कैमरा है जो हमने अभी तक यूज नहीं किया है, मेरा फोन है आईफोन XR और इनका है सैमसंग, जिसका मुझे नाम नहीं पता पर अच्छा है, तो मतलब iOS वर्सेस एंड्रॉइड। और एक हमारे पास क्रोमबुक है, लैपटॉप नहीं है, तो मैंने इनके फोन में, क्योंकि मुझे था अच्छी फोटो आती तो इनके फोन में स्टार्ट करते, इनके फोन में मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, एडिटिंग करनी स्टार्ट कर दी। मैं दोपहर को 2 बजे बैठी और जब मैंने वीडियो अपलोड किया तो रात के 10 बज रहे थे, और उस ड्यूरेशन में इन लोगों ने टीवी भी देखा, सोए भी, मजे भी किए, और मैंने सिर्फ एडिटिंग की। तो हनी ने हेल्प की थी, झूठ नहीं बोलूंगी, हनी ने पूरी पूरी हेल्प की थी। फिर क्या हुआ कि इनके फोन में करने लग गई, फिर जब करा दिया सारा, उसके बाद जब मोरा को भी कर दिया था ये डाउनलोड, उसके बाद जब मैंने अपना अकाउंट ओपन किया इनके फोन में यूट्यूब में, और मैं जब उसको अपलोड करने लगी तो टाइम दिखा रहा था 1 घंटा। अब रात के 10 बज रहे थे तो मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं 1 घंटे तक वेट करूं, क्योंकि वेट करके थोड़ा बहुत तो रिस्पांस का भी वेट करना होता है ना, देखना होता है कि भाई क्या आ रहा है, क्या हिसाब है। तो और अगले दिन मंडे को सुबह स्कूल भी जाना था, तो फाइनली मैंने क्या किया, उसको शेयर किया अपने फोन में व्हाट्सएप से। तो ये पहली मिस्टेक कि मैंने उनका फोन यूज किया, दूसरी मिस्टेक कि मैंने उसको शेयर किया व्हाट्सएप से, क्योंकि वो फाइल साइज बड़ा था तो जीमेल से या किसी से भी वो शेयर हो नहीं रहा था, तो व्हाट्सएप से शेयर करके डाउनलोड करके फिर मैंने अपने फोन से अपलोड किया। तो अपलोड तो 5 मिनट के अंदर हो गया, पर जब उसको खोल के देखा तो उसकी क्वालिटी 360p थी या, और वो मैनेज नहीं हो सकती थी, मतलब डाउन हो सकती थी पर अपग्रेड नहीं हो सकती थी, तो ऑडियो वीडियो थोड़ा सा उसका डाउन था। 10 मिनट्स हो गए। मुझे ये नहीं लगा फिर कि मैं इसको डिलीट करके दोबारा से मेहनत करूं, क्योंकि मुझे ये था कि एक बार अपलोड कर देना चाहिए, एक बार कर दो, बस स्टार्ट कर दो जैसे भी है, तो मैंने कर दिया। और फिर मुझे व्यूज यही मिले थे कि कंटेंट अच्छा था, तुम लोग अच्छे थे, पर ये थोड़ी सी कमियां हैं। देखो, ये हमारे घर के सामने स्कूल है, यहाँ पे रिसर्च करने थे, अभी यहाँ पे रिसर्च चल रही है, तो अब और ये हमारे घर से हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी हम लोग मेंटेन कर पाए। और आज हनी की वजह से 2 काम हुए,
एक व्लॉग बना, एक आपको स्कूल से छुट्टी मिली और एक जो पैसे कटेंगे वो तीसरी चीज है। हाँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट है फिलहाल तो, पर अपने को यूट्यूब से पैसे मिल जाएंगे। अच्छा तो देखिएगा तो ही। और हाँ, 90 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आज सुबह, देखे थे, बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। अब हम जा रहे हैं घर, एक लिटल लिटल हाउस टूर। हाउस टूर अभी नहीं कराएंगे, हाउस टूर नहीं कराएंगे, हाउस टूर पूछ के कराएंगे। क्यों पूछ के? मतलब पूछ के मतलब अगर कोई हाउस टूर करना चाहेगा तो ये कराएंगे ना, धक्के से किसी को घर दिखाएं। वॉमिट हुई थी सच्ची में, पर मैं मतलब मैं यहाँ पे भी आ गया और अभी मैं थोड़ी एक तो दवाई लेके वापस वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा, देखते हैं क्या होता है। छुट्टी रेस्ट करने के लिए हुई है। मैंने एक वीडियो आइडिया सोचा है, हाउ टू कनेक्ट योर PS4 कंट्रोलर टू योर क्रोमबुक, जैसे ट्रिक मिली है जो कोई कभी नहीं दिखाता अपने यूट्यूब वीडियोस में, और वो ज़्यादा जल्दी है नॉर्मल वाले से, और वो ज़्यादा अच्छा खेलेगी नॉर्मल वाले से, अपना आपका कंट्रोलर ज़्यादा अच्छा खेलेगा। तो तेरा तो कुछ है भी नहीं चैनल, और नए वाले में तो खुद को ही प्रमोट करने लग गया अलग से। एक्सप्लोरिंग कैनेडा भी कर देंगे क्या, जाते तो नहीं करेंगे इस पे। चलो फिर। नहीं यार, तो मैं अंदर जा रहा क्योंकि मम्मा ये मुझे यहाँ ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहने देगी, और वैसे अभी 3 बजेंगे ना, देखना कैसे बोलेगी, बाहर जाए बाहर जाके खेल। और अरे अभी मुझे वो वॉमिटिंग बीमार हूँ वो वाला भी थोड़ा करना है, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना यूट्यूब चैनल को। बाय।